So, hi guys, welcome back to the channel guys, and you watching Deep's Creation and I am Deepansh Deep. So, let's start this vlog. So, आज का vlog कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं आया था करोल बाग आज अपनी कार में कुछ स्टीरियो लगवाने जो कि एंड्रॉइड स्टीरियो होने वाला है, बट आज हम उसकी बात नहीं करने वाले क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और गाड़ी देखी जिसका जो थी नेक्सा के आने वाली फ्रॉन्स गाड़ी जो है बिल्कुल लेटेस्ट है अभी और बहुत ज्यादा पीक पे चल रही है, तो यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा काम हुआ था उसके अंदर, तो मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना ली जाए और आप सब लोगों को दिखा दी जाए। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये काम कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ और गाड़ी के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या काम हुआ था। तो करते हैं इसका वीडियो को स्टार्ट। तो बिना किसी देरी के चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी क्वेरीज है सब कमेंट में पूरी होती है, कमेंट करते रहिए। सो गाइज मैं आया था करोल बाग में इस शॉप पे, इसका नाम है ऑटो हुड और ये आपको शॉप मिल जाती है करोल बाग की मार्केट के बिल्कुल पास। तो वहाँ पर मार्केट है, आप देख सकते हैं मार्केट से थोड़ा हट करके आई है और यहाँ पे देखिए पार्किंग का कोई इश्यू नहीं होता है और यहाँ पे इतनी जगह है मार्केट में, आपको पता है कितना कंजस्टेड हो जाता है। आप अपनी न्यू कार लेकर के आ रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस लग सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है और न्यू कार में डैमेज होने का मतलब तो आप जानती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेकर के आया था, इसमें मैंने सिस्टम लगवाया है, तो इस सिस्टम की बात तो वैसे भी हम नहीं करेंगे बट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक सिस्टम लगा है, मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ एक बार। तो मैंने गाड़ी अनलॉक कर दी है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाया है जो कि बजट फ्रेंडली था। मैं आप सब लोगों को इसका रिव्यू भी आपको बाद में दे दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, और इसकी टच तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और अभी हम इसकी बात नहीं करने वाले क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल्स में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं नेक्सा की फ्रॉन्स के बारे में जो नई कार आई है अभी। तो अभी उसका काम वहाँ पे हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस जगह अभी गाड़ी में काम हो रहा है, तो अभी हम इस काम को कंप्लीट हो जाने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है और किस तरीके से क्या फ्रेंच रेस रहने वाली है आपकी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सीट कवर्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और भी है। तो पहले मैं आपको शॉप के ऑनर से मिला देता हूँ, उससे बात कराया था शॉप के ऑनर से और फिर देखते हैं कि किस तरीके से क्या काम हुआ है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ओनर से मिलाने वाला हूं, तो ये होने वाला है हमारी शॉप के ओनर। तो भैया अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए कि आपको कितना टाइम हो चुका है यहां पे और किस तरीके का कस्टमर रिव्यू रहा है आपके पास और हाँ। क्या काम इस गाड़ी में होने वाला है। मेरा नाम सुधीर है, अपनी शॉप करोल बाग मार्केट में रहने वाली है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन आपका रहने वाला है नियर बाय में, पिलर नंबर 92 रहने वाला है। तो अपने को वर्क एक्सपीरियंस लमसम आपके 2 से 3 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर रहने वाला है जो कि मॉडिफिकेशन के ऊपर ही है प्रॉपर आपका तरीके से। तो हम जो कर रहे हैं आज भैया, जैसे कि आप आए थे हमारे पास, तो हमारे पास जो कि लेटेस्ट जो आपकी चल रही है फ्रॉक्स, यानी कि मतलब अब इस टाइम पर हॉट टॉपिक बन चुका है, तो उसको हमने पूरा का पूरा कोशिश करी है टॉप एंड वेरियंट में पूरा कन्वर्ट करने की। तो आपको मैं वही आपको चीज़ें चेकआउट कराने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या क्या किया है, बाकी भाई अपने साथ है ही तो आपको चेकआउट कराते हैं हमने सब इसके अंदर क्या क्या किया है। भैया आप बताइए, सबसे पहले तो मेरे को आपके हाथ में एक फ्लिप की दिख रही है और जैसे कि ये मेरे को जितना पता है ये बेस मॉडल था, तो बेस मॉडल में तो फ्लिप की आती नहीं है, नहीं, नहीं, तो आपने फ्लिप की कैसे बनाई है और क्या यहाँ पे आने का क्या प्राइसिंग रहने वाली, तो सारी चीजें हम एंड में कवर कर लेंगे प्राइसिंग, बट आप सारी चीजें बताइए कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज, मेरे को काफी चीजें दिख रही है इसमें अलग। ठीक है, तो ये हमने आपकी जो देख सकते हैं आपकी फ्लिप की इंस्टॉल की है, मतलब इसके अंदर आपका सेंटर लॉकिंग इसके अंदर ऑलरेडी आती है, इसके अंदर आपका सेंसर वो डला हुआ होता है, जो ओरिजिनल सेंसर होता है आपका इसके अंदर चला जाता है और ये आपकी नई चाबी बनती है, मतलब ये आपकी नई चाबी बनती है, पुरानी चाबी आपके पास रहती है लेकिन उसके अंदर सेंसर नहीं होता है, आप उससे लॉक गाड़ी का लॉक खोल सकते हो लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, गाड़ी आपकी स्टार्ट जो होगी आपकी इसी से होगी और दूसरी की से होगी, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको दोनों आपकी जेन्युइन की मांगेगा, इसलिए हम वाले की कट नहीं करते हैं, आपकी नई की बनाते हैं, सेंसर हम ये यूज़ करते हैं लेकिन आपका। ठीक है, ये फ्लिप की हमारी हो चुकी है भैया। तो ये फ्लिप की रहने वाली है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि फ्लिप की एकदम जेन्युइन जैसी है, देखो इसमें आपको मारुति का लोगो भी मिल जाता है, तो करोल बाग में तो बहुत ज्यादा फेमस है। और आप देख सकते हैं कि मतलब कि जैसे आप देखते हैं ना कि इंश्योरेंस वगैरह में दिक्कत आ जाती है चाबी के कटिंग की वजह से, या फिर क्योंकि अगर बाय चांस कुछ भी एक्सीडेंट एंड कोई भी चीज एक्सेट्रा होती है तो वो चाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अलग से ही हमेशा फ्लिप की का अगर आप शौक रखते हैं तो इसको अलग से ही बनाएं। तो भैया आगे की चीजें बताइए हमें। भैया जैसे आपको मैंने फ्लिप की दिखा दी है तो अब चलते हैं साइड की तरफ।
तो साइड में हमें यहाँ पे आपके जो कि अल्फा वेरिएंट के आपके यहाँ पे अलो आपके होते हैं आपके ORVM, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब आप जैसी अगर हमें जो सुजुकी आपको टॉप एंड अल्फा वेरिएंट में लगा देती है, बॉडी कलर का देती है, लेकिन वो क्या है कंपनी हमें जो प्रोडक्ट करती है वो आपको पियानो ब्लैक ही करती है, तो हमने पियानो ब्लैक इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं अलगाड़ी लॉक है अभी अनलॉक करूंगा, वैसे आपका ये आपका इंडिकेटर के साथ आपका ये आपका अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने आपकी जेन्युइन आपकी मारुति सुजुकी रिले इंस्टॉल करी है लॉक अनलॉक वाली। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमने मैंने लॉक का बटन प्रेस किया, ये आपका लॉक हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है, काफ़ी यार काफ़ी नेसेसरी फीचर है, लोगों का काफ़ी हेल्प करता है। और मैं बात करूँ तो हेल्पफुल फीचर आपका यहाँ पे फ्रंट के अंदर रहने वाला जो कि LED का सेटअप है, तो हैलोजन के अंदर आपको ज़्यादा रोशनी मिलती नहीं है, तो इसीलिए हमने आपका इसके अंदर हैलोजन आपका LED का सेटअप इंस्टॉल किया। तो आपका मैं वो भी चेकआउट कराता हूँ। तो इसमें एक LED लगी है जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक, और यहाँ पे भी एक LED यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, 130 वाट की LED है इसके अंदर, और नॉर्मल ऊपर आपका पार्किंग बल्ब इंस्टॉल किया है, तो इसका आप रोशनी चेकआउट करा दो आप इसकी। तो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं कि इसके क्या थो रहने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ये सिंगल चला भी इसका DRL टाइप है, इसको समझ सकते हैं आप। तो ये देखिए, और एक बार इंडिकेटर ऑन कीजिए इसके, तो देखिए किस तरीके से इंडिकेटर का लुक। तो अब देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, व्हाइट और इंडिकेटर के ऑरेंज के साथ, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। चलो अब थ्रो देख लेते हैं हम गाड़ी का किस तरीके का है। देखिए इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी रोशनी है भाई यहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब एक बार बंद करके दिखाइए भैया यहाँ पे कितना अंधेरा था पहले, तो देख सकते हैं आपके इस तरीके का है। और अभी रोशनी दिखाइए, ये लो बीम है, एक बार हाई बीम और दिखाइए भैया, ये हाई बीम है, आप देख सकते हो कि किस तरीके का इसका थ्रो रहने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थ्रो है, आपको नाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली इसके बाद। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि किस तरीके से और क्या क्या काम गाड़ी के अंदर हुए हैं। तो इसके अंदर आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ, यहाँ पे जैसे ये आपके मरीन आपके सुजुकी जेन्युइन आपके डोर वाइजर रहने वाले हैं, और यहाँ पे आपकी डोर आपकी जो साइड की बिडिंग या साइड मोल्डिंग बोल दो तो वो इंस्टॉल करी है इसमें हमने। और अंदर की तरफ आपको पीछे की तरफ एक और चीज चेकआउट करा देता हूँ, बाहर की तरफ इतना ही काम हुआ है। जो कि आपका पीछे की तरफ अगर बात करो तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं रिफ्लेक्टर हमने इंस्टॉल किए जो कि आपके मैट्रिक्स के अंदर रहने वाले हैं, और यहाँ पे आपका हमने AHD कैमरा मूविंग गाइडलाइन के साथ आपका इंस्टॉल किया है, तो वो भी आपको मैं अभी ऑन करके दिखा दूंगा। तो बाहर में अपना बाहर के अंदर आपका इतना ही काम हुआ है, अब चलते थोड़ा आपको अंदर की तरफ दिखाया था आपको मैं, और क्या क्या चीजें इसमें और एड ऑन हो सकती थी जो कि अभी आपने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे गार्निश भी आती है एक, तो आप वो भी चीज़ें और गार्निश आती है, हैंडल क्रोम आता है, वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगी शॉप पर, सब चीजें मिल जाएगी आपको हमारे पास। तो अंदर की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, इसलिए अनलॉक करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे गाड़ी का अंदर मेरे को काफी सारी चीजें दिख रही है। ये अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको सीट कवर का सेटअप रहने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया है आपका, यहाँ पे नाप लेदर के अंदर आपके सीट कवर हमने इंस्टॉल किया है, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन आपको इसलिए रखा है क्योंकि आपके इंटीरियर के हिसाब से कम कलर कॉम्बिनेशन रखा है ताकि और ना लगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दूंगा आपको मैं। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो कि अल्फा वेरिएंट का आपका स्टेयरिंग है वो इंस्टॉल कर दिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यार भैया इसमें आपका ना पियानो फिनिश में भी आता है ये। हाँ पियानो फिनिश में अल्फा में आता है, लेकिन ये ना कि थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना सिल्वर पे कभी डस्ट वगैरह भी नहीं लगती और स्क्रैचेस भी नहीं दिखते हैं, तो ये काफी ज्यादा रिलायबल रहता है काफी ज्यादा टाइम के लिए। हाँ ये अच्छी हो जाती है। और बाकी नीचे की तरफ हमने GFX मैट इंस्टॉल किया, लॉन्ग लाइफ मैट इंस्टॉल किया, मतलब ये क्या है ये तो यार खास बात इसकी है जब तक गाड़ी जब तक मैट, ठीक है, ये वाली बहुत चीज़ हो जाती है। और डोर में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि डोर के अंदर आपके यहाँ पे हमने आपके स्विच दे सकते हैं, प्रॉपर आपका जनरल स्विच रहने वाला है, तो ये इस तरीके के आपको स्विच मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम अभी देखते हैं जब हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं ना, तो ये स्विच हमारा तभी वर्किंग होता है, ये जेन्युइन में भी इसी तरीके से है। तो आप देख सकते हैं जैसे स्विच हमने बंद किया तो ये मिरर यहाँ से बंद हो गए हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैं इसको स्विच को प्रेस करता हूँ और ये मिरर खुल गए, और यहाँ से मैं अगर दोबारा स्विच को प्रेस करता हूँ तो ये मिरर बंद हो गए। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखाया है इसने, और आपको मतलब ओरिजिनल की तरह ही सब कुछ मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं अगर यहाँ से राइट साइड में मोड़ देता हूँ इसको और इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं ये नीचे ऊपर राइट लेफ्ट हर तरीके से इसको मूव कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल जेन्युइन की तरीके से आपको ये मिरर्स मिलते हैं यहाँ पे आने के बाद। और इसके अंदर वो भी किया हमने साइड में डोर में ना, आपको यहाँ पे देख सकते हैं टॉप एंड वेरिएंट के आपके इनर हैंडल, ये इनर हैंडल में आप देख सकते हैं क्रोम वाले, सॉरी ये इनर हैंडल ये क्रोम वाले जो होते हैं इसको भी किया गया है यहाँ पे। और चेंज हुए भी डोर्स के अंदर, आपको मैं बात करूँ डोर्स के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट आपके प्राइमर्स और प्राइमर्स के कंपोनेंट को इंस्टॉल किए हैं, और ऊपर आपका जेन्युइन ट्विटर सेट के साथ ट्विटर लगाए गए हैं,
ये सेटअप आपका म्यूजिक का सेटअप है और स्क्रीन आपकी आपके देख सकते हैं ना, ये देख सकते हैं आपका, हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है वो आपका 232 कारप्ले वाला सिस्टम इंस्टॉल किया है, काफी अच्छा सिस्टम रहने वाला है। मतलब ये आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है, जैसे आप एप्पल का आपने अपना कनेक्ट करते हैं तो छोटा सा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कारप्ले खुल जाएगा, यहाँ पे कॉलिंग म्यूजिक वगैरह मैप वगैरह सारी चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते प्रॉपर आपका पियानो फ्लैग फ्रेम रहने वाला है और यहाँ पे आपके नीचे आपके टॉप एंड वेरिएंट के आपके एसी वेंट्स रहने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका गियर नॉब रहने वाला है, गियर नॉब भी चेंज हो गया जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक गियर नॉब आता है पहले, बट जो अब आ रहा है ना वो प्रीमियम टाइप का, यहाँ पे इसको आपको क्रोम की यहाँ पे भी दिख जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये टॉप मॉडल में ना बिल्कुल जितनी चीजें हो सकती है ना, हमने बारीकी से हर एक चीज यहाँ पे लगी हुई दिख रही है, ये भी आपको टॉप मॉडल में आता है, ये भी टॉप मॉडल में आता है और 9 इंच की स्क्रीन भी आपकी टॉप मॉडल में आती है। तो आप देख सकते हैं 9 इंच की स्क्रीन है और ये एमोलेड डिस्प्ले मेरे को जो अभी तक इतनी दिख रही है बहुत ज्यादा अच्छी है, फोर साइड आईपीएस है, कहीं से भी आप देखोगे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये देखिए आप साइड से भी अगर मैं इसको कहीं से भी देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छी ये डिस्प्ले है। तो अभी इसमें एप्पल कार प्ले है और तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा, आपको स्पीकर्स का रिस्पॉन्स भी दिखा देंगे उसके अंदर, कैमरा भी इंस्टॉल है, कैमरा दिखाते हैं ना। तो हम आपको अभी बैक कैमरा दिखाते हैं कि बैक कैमरा का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये देखिए बैक कैमरा ASD लिखा हुआ, ये ASD कैमरा है, तो आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कैमरा है ये, आपको जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा कैमरा के अंदर, मतलब अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ इस कैमरे से आपको जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बट ये काफी ज्यादा क्लियर है। और अभी आप देख सकते हैं नाइट मोड के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसमें, इसमें मूविंग गाइडलाइन मिल जाती है, मूविंग गाइडलाइन भी दिख जाती है आपको, जैसे कि गाड़ी जब चलती है ना सेंसर लगे हुए होते हैं, पीछे सेंसर है ना, ओके, जब गाड़ी जब मूव होती है ना तो उनको पता लग जाता है, तो गाड़ी उसके हिसाब से मूव करता है, बैक गियर में ही होता है, लेकिन ये आगे जैसे मूव कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा, सिर्फ बैक गियर में होगा, ओके। हाँ बस बाकी ये सब चीजें इंस्टॉल करी गई है, सीट को इंस्टॉल करे गए हैं, तो मतलब जो भी नेसेसरी पार्ट है वो हमने इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब साउंड चेकआउट करा देते हैं। पीछे इसमें पार्सल ट्रे भी शायद आपने लगाई थी, पार्सल ट्रे बूट लाइट भी लगाई, बूट लाइट वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको सिस्टम से पहले आपको एक बार पार्सल ट्रे और बूट लाइट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इंस्टॉल हुई है इसमें। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक पार्सल ट्रे लगी है और पार्सल ट्रे के लिए ना यहाँ पे एक नंबर होता है, जिस नंबर से आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई लोगो नहीं आता है मारुति का, बस जितना भी सामान आपका निकलता है गाड़ी में से वो सारा एज इट इज वापस दे दिया जाता है। आप इनको इन फ्यूचर अगर आप यूज करना चाहते हो दोबारा यूज कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे लाइट मिल जाती है आपको, ये भी आफ्टर मार्केट हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, और काफी ज्यादा चीजें, मतलब ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे काफी ज्यादा काम आती है। तो अभी मेरे को इसमें दिख रहा है कि एक आर्मरेस्ट भी है, ये क्या कंपनी लगा करके देती है या आफ्टर मार्केट हमने इंस्टॉल करा है इसमें? ये भैया ये वाला आर्मरेस्ट जो होता है सिर्फ आपका अल्फा वेरिएंट के अंदर ही आता है, अच्छा सिग्मा वेरिएंट के अंदर जेटा और जेटा प्लस के अंदर भी नहीं आता, सिर्फ अल्फा में आता है, तो भी हमने आपका यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। प्रॉपर वर्किंग जैसे आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे जो कि कंपनी जेनुइन आपकी USB केबल आती है वो भी हम इंस्टॉल कर दी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर वर्किंग है आपका यहाँ पे। तो यही सब चीज़ है, बाकी म्यूजिक सेटअप चेकआउट करा देते हैं। तो भाई इसमें जो अभी सिस्टम इंस्टॉल हुआ है ना उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब जो बताया था हमने कि इसमें प्राइमस के स्पीकर को एक्सेल और कंपोनेंट डले हैं और सिस्टम हमारा टेस्ला का रहने वाला है, तो इसको मैं अब स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि मैं हमने यहाँ पे भी स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको फास्ट कर देता हूँ तो देखिए इसमें बेस भी देख सकते हैं आप और यहाँ पे कंट्रोल देख सकते हैं। सो गाइज अभी इसमें ना हम प्ले कर रहे हैं एक सॉन्ग जो कि NCS का होने वाला है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट नहीं आता है, हमेशा मैं वही सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से देखिए वॉल्यूम से आवाज कर देता हूँ, तो वॉल्यूम में superhero.
सो अभी आपने देखा कि हमने फियोनिक्स का सारा काम आपको दिखा दिया कि क्या क्या चीजें हुई है, बहुत बेसिक और मतलब जितनी चीजों की जरूरत होती है ना वही एक्सेसरीज का यहाँ पे काम हुआ है अभी तक। तो अभी आपको भैया बताएंगे कि किस तरीके से इनकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। तो ऑल ओवर जितना अभी तक मैंने आपको काम दिखाया है उसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है वो हम भैया से जान लेते हैं। तो ऑल ओवर इसकी प्राइसिंग अगर बात करूँ तो इसकी ऑल ओवर प्राइसिंग मतलब 55,000 के लमसम आपकी बैठ गई है। आपकी इसमें पूरी प्राइसिंग सारा काम ऑल ओवर जितना भी हमने दिखाया है 55,000 के अंदर सारा काम कंप्लीट कर दिया हमने। तो आपको करोलबाग मार्केट में ना ये ऑटो फोल्डिंग वाला मिरर्स का तो कुछ मिलना ही नहीं है जल्दी से, फियोनिक्स में यहीं पे काम होने वाला है। तो जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर के आप यहाँ आ जाइए और 55,000 रुपए में बेसिक सारी अपनी एक्सेसरीज यहाँ से इंस्टॉल करवा लीजिए। तो आपको कहाँ आना है मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ऑटो हुड यहाँ पे शॉप का एड्रेस आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट उस साइड है और आपको मार्केट से अलग आना है तो आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी क्या करते हैं वीडियो को हम एंड। तो अगर वीडियो इस पॉइंट तक आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक, कॉमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेरीज के लिए, हम सारे कॉमेंट चेक करेंगे। और इसी करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू।